जी, तो मैं अभी आपको ना वीडियो के शुरू में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। फिर मैं आपको, पहला रमज़ान है जी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हुए, तकरीबन तकरीबन 10 साल बाद पहला रमज़ान है मेरा पाकिस्तान में। मैं अभी मंडी से फ्रूट लेकर आया हूँ, तो अभी गारवन 12:30 का टाइम हो चुका है। तो जो फ्रूट के रेट है ना यार, अल्लाह माफ़ करे, आसमानों से बातें कर रहे हैं। मैं आपको कुछ फ्रूट जो खरीदे हैं ना, बिल्कुल सिंपल से और थोड़े से, उनका रेट दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगा और मुकम्मल ये एक ब्लॉग आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं पहला फर्स्ट रमज़ान यानी कि फर्स्ट रोज़ा पाकिस्तान में 10 साल के बाद। जी, एक चीज़ आप सुन रहे हैं, वो मौलवी अभी ऐलान कर रहा है कि रोज़ेदार हो, अल्लाह नबी दे प्यारे हो, सारी का टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दो। हर 10 मिनट बाद में मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। अभी वो बोल रहा है खाना पीना बंद कर दो। जी, तो सैरी में रोटी बनाई है जी, मक्खन के साथ, थोड़ा मक्खन लगाया ऊपर, साथ में मक्खन है जी फ्रेश, दही, ये मसाले बनाए हुए हैं, और ये है जी लस्सी। तो मैंने बोला इसी से सैरी कर लें, वही बेस्ट है, पराठे वगैरह या सालन तो इतना नहीं खाएँगे। बहरहाल पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, आज देखते हैं क्या बनता है जी। तो ये लस्सी का मेरे हिसाब से दूसरा मग्गा है जी, मेरा मग्गा देख लिया, सारा दिन गुजारना है। और पाकिस्तान में मौसम इतना गर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी आवाम सोती तो है नहीं सारा दिन, देर दनादर। ये बैक साइड से खेत है जी हमारे घर के, सब तो अंधेरा है, लेकिन व्यू कैमरे में तो नहीं, वैसे बहुत अच्छा आ रहा है यार। तो रोज़े के साथ मैं पहुंचा हूं जी बाज़ार। तो बात यह है कि बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदेंगे, फ्रूट वगैरह के मतलब मैं आया हूं बेसिकली। तो कौन कौन सा फ्रूट लेता हूं, बैठकर आपको रेट बताऊंगा। अभी आग लग गई है फ्रूट को, और एक काफ़ी मज़ेदार किस्सा मुझे अभी दिखाई दी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो मैं अभी आपको घर आ गया हूँ लेकर बाज़ार में। मैंने बोला अभी क्या वीडियो बनाऊँगा, बाइक भी चला रहा था साथ में वीडियो, तो एक हैंड से फिर बाइक किसी में ठोक देता। तो बात यह है कि मैंने फ्रूट जो खरीदे हैं आपको वो दिखाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे, ठीक है, ये 250 रुपए के लिए हैं जी। अभी 250 में आया क्या क्या ये आपको बताऊं मैं। एक दर्जन केले 250 मांग रहा था वो, इससे जो छोटे से थोड़े वो 200 की दर्जन बोल रहा था, ये 250 रुपए के दर्जन बोल रहा था वो। अच्छा, 13 एक किलो ज़्यादा डाल दिया, 250 रुपए ले लिया, 230 बोलकर, ठीक है जी, एक केले के 20 रुपए ऊपर ले लिए, 250 ले लिए, बहरहाल 13 केले डाल दिए। उसके बाद जो चीज़ है जी एप्पल, मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग जो मैंने देखी है वो आपको आगे मैं बताता हूँ। अभी ये सेब देख लेंगे आप, ठीक है जी, ये शाम को मैं मुकम्मल फ्रूट चाट बनाऊँगा, पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे या सऊदी स्टाइल में जैसे कि वहाँ हम बनाते हैं, बहरहाल वो आपको दिखाऊंगा किस स्टाइल में बनाएंगे। ये एप्पल मैंने पहले से लिया हुआ है, ये 250 रुपए का किलो मिला है। अभी रमज़ान में ये भी 350 तक पहुँच चुका है, लेकिन ये रमज़ान से पहले मैं लेके आया था 250 रुपए किलो, ये घर पर पड़े हुए थे। अभी इसके अलावा मैंने दो चीज़ें और ली हैं फ्रूट चाट के लिए ही ली हैं, वरना भाई मैं ये मत खरीदता, क्यों, बजट ही नहीं है इतना इन चीज़ों के लिए। आप देख लें, ठीक है, ये दो अनार हैं, अच्छे वाले अनार लिए हैं मैंने, आप देख लें। तो ये है कि ये 500 रुपए किलो में मिले हैं जी, 1 रुपया कम नहीं किया उस बंदे ने, 500 रुपए किलो उसने बोला ही मैं दूंगा ये वाले। और ये जो ग्रैप मिले हैं जी, ये वाले अंगूर जिसे हम सऊदीया में, आपको पता ही उथी मार्केट से ही यहाँ पर पांडा से हम खरीद लेते हैं, 5 रियाल का, 6 रियाल का, 4 रियाल का, वो हमें कॉटन मिल जाता है, एक प्लास्टिक की इतनी सी होती है टोकरी, उसके अंदर रखे होते हैं। तो ये 1 पाव लिए हैं जी, तो 1 पाव इसी के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग जो खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, ये 1 पाव लिए हैं मैंने 200 रुपए में, ठीक है, लेकिन जिसके पास से हमने केले लिए ना, मैं बाइक उसके पास इसलिए रोकी, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी थी जी, इतनी लंबी उस बंदे की, और सफ़ेद बिल्कुल, मैंने बोला ये बंदा बूढ़ा आदमी है, शरीफ आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, इससे खरीदते हैं, रेट भी ज़्यादा मुनासिब लगाएगा। केले उसने 230 रुपए लगा दिए, केलों का मैंने इर्द गिर्द रेट पूछा ही नहीं, फिर शायद इससे कम ही होता, क्यों कम होता मैं आपको बताता हूँ। जब अंगूर की बारी आई तो एक ब्राउन कलर के अंगूर होते हैं पाकिस्तान में चलते हैं, सऊदीया में तो ये चलते हैं ब्लैक एंड ये आपको जो मैंने दिखा दिए ग्रीन वाले, एक ब्राउन कलर के थे, एक ये ग्रीन वाले थे,
एक रेड कलर में होते हैं जो, ठीक है। मैंने उसने बोला 150 रुपए पाव लगेंगे, मैंने बोला ठीक है। मैंने भाई क्या, मैंने बोला आगे से रेट का पता कर लेते हैं। आगे एक के पास गया, उसने बोला जी ये अंगूर जो है जी, उसने बोला जी ये 200 रुपए पाव लगेंगे। मैंने बोला ये 50 रुपए जायद मांग रहा है। एक और से पूछा, उसने भी बोला जी ये 200 रुपए पाव लगेंगे। मैंने बोला उसी के पास चलता हूँ, उसी से 150 रुपए पाव दे रहा है तो ले लेता हूँ। जब उसके पास पहुँचा हूँ तो वो मेरे को, अच्छा जो वो साइकिल पर केले बेच रहा था, उसके पीछे एक बड़ी रेडी लगाई हुई थी, उन लोगों ने मुकम्मल फ्रूट रखा हुआ था ऊपर। वो मैंने रेडी वाला भी उसी जैसा था बिल्कुल, इतनी लंबी दाढ़ी और सफ़ेद माशाल्लाह। तो मैंने उसको बोला ये ग्रीन वाला एक पाव दे दो, वो बोलता ठीक है। मैंने बोला इसका रेट क्या है, 150 रुपए पाव तो तूने बोल दिया, 3 किस्म के पड़े हुए। बोलता ये 250 रुपए पाव है। कितने, 250 रुपए पाव बोल दिया उसने, जो कि मुझको आगे से एक बंदा 200 रुपए पाव दे रहा था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं की, मोटरसाइकिल आगे तो आगे चला दिया मैंने। और मैं बात कर रहा था कि यहाँ पंजाबी च, यहाँ तो अल्लाह सोनिया इन्हों नू झूठ तो निजात दे दे, इन्हों हदायत दे दे, तो यहाँ दाड़ियाँ कटा लैन, कोई एक काम तो हो जाए। 250 रुपए वो पाव बोल रहा है हमें, जो कि आगे से हमें 200 रुपए पाव में आम मिल रहे थे। तो ये फ्रूट के रेट हैं जी इस वक्त हाई। लीमू का मैंने मुतलक पूछा है, लीमू भाई 70 रुपए पाव हो चुका है। चाइना का अगर मैंने बोला देसी का, तो वो बोलता है जी देसी जो लीमू है वो 150 रुपए पाव तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैं देसी लीमू लेके आया हूँ, मेरा ख्याल है 70 रुपए या 60 रुपए पाव मिला था मुझे, जो कि अभी 150 रुपए पाव बता रहे हैं। फ्रूट चाट का सामान काट लिया है, इसमें अनार जो मैंने खरीदा मार्केट से, आधा अनार मैंने रखा है। अच्छा जो अंगूर लिए थे, अंगूर ये मैंने आधे पीस बनाए हैं, आधे रख दिए हैं, कल को बना लेंगे। ये केले और ये सेब, साथ में ये नींबू का पानी है जी, और अजवा खजूर गुठली के बगैर निकाली है इतनी, चीनी है, नमक वगैरह जो भी मसाला इसमें डालेंगे। अच्छा सऊदी में जो फ्रूट चाट बनाते हैं ना, किश्ता वगैरह दूध वगैरह डालकर, मीठी, ये मीठी भी होगी और साथ में थोड़ी नमकीन एंड आप बोल रहे हैं खट्टी मीठी सी होगी, तो इस टाइप की बना रखे हैं। तो देखते हैं जी, मैं अभी आकर वो मिक्स करूँगा फिर दिखाऊँगा। आलू वाली चिप्स भी बनाएंगे जी थोड़ी सी, चलो जी। तो पकौड़े घर पर ही बनाएंगे, देख लें, आलू पालक मेथी प्याज और सब्ज़ मिर्च, और इसके अलावा हल्का सा इसमें अजवाइन भी डाली है, घी वगैरह डालकर अभी पकौड़े निकालते हैं जी। तो पकौड़े घर पर ही बनाएंगे, देख लें, आलू पालक मेथी प्याज और सब्ज़ मिर्च, और इसके अलावा हल्का सा इसमें अजवाइन भी डाली है, घी वगैरह डालकर अभी पकौड़े निकालते हैं। तो पकौड़े निकाल रहे हैं जी, अभी पकौड़ों के बाद चिप्स की बारी आ जाएगी। तो अफ्तारी का सामान रेडी है जी, माशाल्लाह फ्रूट चाट जो बनाई आप देख लें जी, और इस और साथ में इसमें रखी है जी अजवा खजूर, और साथ में ये दूध, और इसमें रूह अफ़ज़ा डाला है, साथ में इसमें डाल दिया है बलंगू, और इस तरफ ये रखी है जी कैचअप। कैचअप देखने की स्टाइल की माशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें कैचअप रखी है, चिप्स और ये पकौड़े पड़े हुए हैं इनके लिए, साथ में फ्रूट रखा है कुछ, और ये इसमें वही दूध सोडा बना कर रखा है। तो ये अफ्तारी पहले दिन की देख लें जी आप माशाल्लाह।